हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आंवला कैंडी किस तरह से बनाएं। तो आपको आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी, चटपटी, मज़ेदार, खट्टी मीठी आंवला कैंडी बनाना सिखाए जाने वाली है। तो आपको इसके लिए चाहिए 1 किलो फ्रेश आंवला। थोड़े बड़े साइज के लेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपकी जो कैंडी है वो बड़ी बनेगी। फ्रेंड्स, आपको लेने हैं 1 किलो आंवला, और उसके बाद में आपको जो है एक बर्तन में इस तरह से पानी बॉईल कर लेना है। और जब आपका पानी बॉईल हो जाए तो आपको इसमें वो आपके जो आंवला थे वो आप इसमें छोड़ दीजिए। आपको सारे आंवला इस तरह से पानी में छोड़ देने हैं, उबलते हुए पानी में। ध्यान रखना है आपको पहले से जो है आंवला बॉईल नहीं करना है, आपको उबलने के बाद ही पानी में आंवला छोड़ने हैं। और उसके बाद में आप ढक्कन लगा दीजिए और इसको आपको 2 मिनट तक छोड़ देना है, जब तक कि आंवलों का कलर चेंज ना हो जाए। थोड़ी सी वापस से आप गैस की लो तेज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने पानी को खोला कर रख लिया था, उसमें आंवले डाल दिए थे। अब 2 मिनट के बाद में हम देखते हैं कि आंवलों का कलर चेंज हो गया है और कुछ आंवले इस तरह से फट भी गए हैं। तो अब हमारा आंवला जो है कैंडी बनने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमको इन सारे आंवलों को जो है बाहर निकाल लेना है और सुखा लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने सारे आंवलों को बाहर निकाल लिया है, अब हमको कुछ देर इनको ठंडा होने के लिए छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, आंवले ठंडे हो चुके हैं और अब हमको करना ये है कि इस तरह से हमको इसकी अलग अलग फांक कर लेनी है। हमको सारे आंवलों को ऐसे अलग अलग निकाल लेना है और सही शेप में निकालना है ताकि कैंडी दिखने में अच्छी लगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हमको आंवले की सारी फांक अलग करके रख लेनी है और हमको फिर ऊपर से 1 किलो आंवले के अंदर आधा किलो चीनी मिला देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमको सारी चीनी इस आंवले में मिक्स कर देनी है। इस तरह से मिक्स करके इसको आपको 3 दिन के लिए छोड़ देना है, और 3 दिन के बाद में जब ये चाशनी में रेडी हो जाएंगे तब हम इन्हें बाहर। तो फ्रेंड्स, 10-12 घंटे में जो हमने चीनी डाली थी वो चाशनी का रूप ले लेगी। उसके बाद में हमको इसको 3 दिन तक रखे रहना है, और ये 3 दिन बाद का अपडेट है। और फिर हमको सारे इन आंवला के टुकड़ों को इसमें से बाहर निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, 3 दिन तक चाशनी में रखे रहने के बाद में अब हमने इन आंवलों को बाहर निकाल लिया है। अब हमको इसको इसमें मसाला डालना है। तो इसमें आपको डालनी है 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच आपको इसमें काली मिर्च पाउडर, और इसके अलावा आपको इसमें लेना है 1/2 चम्मच काला नमक, और आपको लास्ट में इसके अंदर डालनी है 2 चम्मच शक्कर का बुरा। इसके बाद में आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हमको इनको 2 दिन के लिए धूप में रख देना है। सिर्फ 2 दिन के लिए ही रखना है, और हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी कैंडी जो हो वो थोड़ी नरम रहे। हमको ज़्यादा ड्राई नहीं करना है कैंडी को। अगर आपके वहाँ पे धूप तेज़ हो, मौसम साफ़ हो, तो 1 दिन के लिए भी काफ़ी है। तो इस तरह फिर हमारी आंवला कैंडी रेडी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।